बिल्कुल नीचे मकबूजा कश्मीर है, एर असें आजाद कश्मीर पार मकबूजा कश्मीर, इतना फर्क है खाली। इंडिया ने झंडा वो लगा हुआ हमारी न्यू गाड़ियाँ होती है सब, सारे गाड़ियाँ रखते नहीं। कितना टाइम हो गया आपको इधर? मेरा टाइम सर इधर हो गया जनाब, मुझे तो काफी अरसों है। क्यों? अच्छा वैसे पूछ रहा मतलब मेरा बुकिंग काफी है यहां पे। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना सारे खैरियत में सो दुआ अल्लाह पाक सारे के अपने हिफ्ज़ ही माने रखन। चैनल पे जो नए दोस्त आए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की प्रेस करो। तो आज हम इस टाइम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद, इतने नाइट स्टे इतने आज की सी हूँ इतों निकलने सुबह का टाइम हो गया तकरीबन 7 बजे ना। तो आज ना सफ़र इंशाल्लाह नीलम वैली नी साइड है। काफ़ी सारे पॉइंट मेन जो पॉइंट अस जाना चाहे वो है अज सा दवारियाँ दवारियाँ तो बड़ी रत्ती गली। फिलहाल तो असं वीडियो वगैरह चेक की रत्ती गली ने जो ट्रैक है वो अपने बंद है, पर मजीद इंशाल्लाह इनफॉर्मेशन अगर जुड़ी देखिए दसा कि बंद है क्या स्टोरी है क्या नहीं इंशाल्लाह अगर दसा। वेलकम टू द आशान व्लॉग्स। है जी गड्डी ना पानी शानी तेल शेल चेक कर ही रहे हैं। बाकी है मुजफ्फराबाद है होटल आ जिते सी अज दी स्टे हुई सी नाइट स्टे सी। बाकी मुजफ्फराबाद सिटी हूँ बस प्रोग्राम है कि सीधे सीधे हूँ निकला गया। तो अगला इंशाल्लाह नाल नाल प्लान जेड़े जेड़े बनने रहे जिते जिते जेड़ी जेड़ी स्टोरी होनी रही नाल नाल सुनो शेयर करने रहे बस इतों निकलने हूँ। राती जेड़ा खाना खाधा सी ना उसने जेड़ा स्पाइसी बहुत ज़्यादा है, राती भी इस बारे गल की कि सफरे स्पाइसी खाना नहीं होना चाहिए। तो वो खाई तो उड़िया पर हूँ यह कि सून मसले नाश्ते नहीं खास तलब को नहीं पूरे खाली चाह शाह कुछ पीने हैं। तो फिर इंशाल्लाह अगर निकली जिस फिर जिले कुछ भुख शुक लगी फिर इंशाल्लाह मजीद खाई गई बस बहने गड्डी तो निकले इंशाल्लाह। क्या रेट है जी? इतना 260 एक है जी, साढ़े पास 253 देना पैना दूर है ना घर उधर ना महंगा तो चलो दूर भी अपना जनाब नीलमली रोड पर नीचे अगे जो शहर आई जाना मुजफ्फराबाद नीलम वैली रोड है जी। हूँ अगे सीधे सीधे चलने पहुंचे हैं जी गुरुद्वार ना तो सही नहीं पता इतों पीने चाह साढ़े काका भाई जो आपको पसंद आवा ना वैली गड्डी मिली है सीधा ही मसला तो कोई मसला नहीं खर्चा ही देख चाह। आप बासी होटल पर आई गए जी, देसी माहौल बैसो कुर्सियों पर बैसो या देसी माहौल बैसो। आ गया नाश्ता तो अच्छा गया नाश्ता देसी माहौल होना जी पुछने ना बाकी खाना शाना फिर खाने माड़ी की अजीब जी बाकी पराठे नहीं स्टोरी है पराठा
स्टोरी पहली बार बुझल फर्स्ट एंड लास्ट इन पटिका नाश्ता शास्ता करी रहे हैं जी रखा है कोई बिल सा 740 बिल करी सकने हो पकौड़े शकौड़े बने रहे इधर समोसे शमोसे पटिका पटिका बाजार है जी ये पटिका हूँ बस जुलने हूँ अगेन इंशाल्लाह अपर के टाइम भी को थोड़ी थोड़ी जगह जी राज थोड़ा थोड़ा तका आपू थोड़ा बहुत कवर करा तुसा भी दसा इस बारे जरा जुले इतना थोड़ी जी वीडियो बनाई कहते माशाल्लाह जबरदस्त है जी खूबसूरत नज़ारे बाकी अपने अगले सफर ना मुड़ी असं करने आगाज इंशाल्लाह ये सा जी दानी वाटरफॉल बड़े जागरा आना रहे हैं दानी वाटरफॉल सा है तुहा जागरा वाटरफॉल ट्रैवल गार्डन सा नीलम वैली वेलकम यू ए गड्डी खलाई है तुसी दसने आ इथे तो डैम टाइप वाला सिस्टम बनाया उन्होंने पानी की स्पीड चेक करो प्रेशर चेक करो पानी ना खाली चेक करो कितना ज्यादा है जड़ा मोड़ में फिरो है ये गल हर व्लॉगे च पाने कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी आई जानी कि उसने वीडियो बनानी है पी जानी जितों हूँ पिछले बनाई अगे आए फिर माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह चेक करी सकने हो इतना भी रुकी असं यह भी चलो बनाई है माशाल्लाह कुदरत ने नज़ारे जी खूबसूरत नज़ारे माशाल्लाह जी चेक करी सकने नीलम वैली इतो ये एरिया इतनी अपनी जी इंट्री वगैरह अपनी इतना करानी पैनी क्या अगर कोई मसला कोई हादसा पेश है जी ने कोई कार्ड होना पूछा तक सकने डिटेल भी सारे जगह लिखी बैठ मकाम केरन शारदा केल ताओ बट ए सारी डिटेल लिखी के इतों कितना कितना किलोमीटर जगह ही अग है तो बस इतना हूँ इंटरव्यू वगैरह कराने फिर इंशाल्लाह अगे दूसरा चेक करी सकने वेलकम टू नीलम वैली इंटरव्यू वगैरह होगी फिर जूसा इंशाल्लाह अगे आई गए जी एल ओ सी पर एल ओ सी फस्ट टाइम जना फस्ट टाइम एक्सपीरियंस कर ससान रार तो सामने पार मकबूजा कश्मीर ए चेक करी सकने जी बिल्कुल ए नीचे मकबूजा कश्मीर है ए रार अस अपर जुले ना अपर जुले ना अपर जुले आई जी आ जाओ अच्छा जुले पार इंडिया मकबूजा कश्मीर है मकबूजा कश्मीर है
बस एक है दरिया जड़ा ये समझी गो बार्डर है इसने रार आजाद कश्मीर पार मकबूजा कश्मीर इतना फर्क है खाली। इंडिया ने झंडा वो लगा वा ए लगावा पाकिस्तान ना तो ना आजाद कश्मीर ना झंडा जी। कैसा लगा जी फर्स्ट टाइम? चलो शारदा इंडियन झंडा खुला कोने में के ज़ूम करी दसना वो मंदिर शायद है वो वाला खुला कोने कुदरा जी मंदिर गोल्डन ओ मंदिर है जी कुदरा 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 आ चेक कर सकने हैं मंदिर जी जनाब ए ओ जड़ा ए दहा ए कड़े पासे आसी फिर खड़ा ए बिस्कार है जड़ा ए है कश्मीर आसन पे ना ना इधर रेड नहीं नहीं रेड तो ऊपर पार जड़ा ये सामने हां हां ये इधर होसी ना जड़ा ਨਹੀਂ ਮਹਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਰੋਕ ਜਿਹਾ ਬੰਤੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤੂੰ ਮਹਲੇ ਮਹਲੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਰ ਰਾਰੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਹਾਂ ਆਪਸ ਹੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜੁਲਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਕਾ ਭਾਈ ਉਧਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗਿੰਗ ਛਿੱਕੋ ਛਿੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਕਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਮਲੂ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਆ ਹੀ ਸਕਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਟਅਪ ਕੋਣੇ ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਾ ਸੈਟਅਪ ਆ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਨੇ ਰਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੁਲਨੇ ਆ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੂ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਬੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾ ਇਧਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਦਰ ਪੋਸਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਪੋਸਟ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਜੀ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਠੀਕ 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 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਝੰਡਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸੋਚਨੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਲਾ ਏਰੀਆ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਫਿਰ ਅਣਕਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾ ਠੀਕ
ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਤਲੀਆਂ ਝੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਉਧਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਜੀਪ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜੀਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਰੇ ਜੀਪ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ 4x4 ਗੱਡੀ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਕਵਰਾ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ ਕਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ YouTube ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਨੀ ਸੁਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣੀ ਸਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਣੀ ਪਰ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਠੋਸ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਸ ਕੀ ਆਉਣੀ ਹੋਣੀ ਲੱਭਣੀ ਅਨਕਰਾ ਕਰਨ ਮੁਕਾਮੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਚਲੋ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ बोर्ड मजीद अगले एरिया ने लिखा कितना किलोमीटर कितना सफर रह गया सना अठ मुकाम ना बाजार है चेक करी सकने बिरयानी है इत चावल लोड़ा कोई अगे झूला अगे झूलने हाँ केरन झूलने केरन जी ब्रेक मारने कुछ खाने पीने की ब्रेक भी नैक्सट फिर अगला इंशाल्लाह जी लोकेशन ही फिर उसने दसने के नैक्सट पहले मतलब जाने पे तकने जितने रुकने अगला क्या प्रोग्राम बनना इंशाल्लाह तुम्हें नाल आपू भी पता लगे जिसमें भी दसने इंशाल्लाह केरन पहुंचे हैं तो हूँ अपर नीलम का प्रोग्राम है इतों के 1.5 किलोमीटर है अपर नीलम झूलने अस चलो निकले निकले तक ही झूलने तकने फिर उत्थे झूलने फिर अगे तकने जी तो भैनों पर आई गई अपर नीलम ਐ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਕਣਾ ਵਿਊ ਐ ਨੀਚੇ ਕੇਰਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਪਰ ਨੀਲਮ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐ ਜੀ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਲਾਈ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਰਾ ਨੀਚੇ ਕੇਰਨ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮਿਲਣ ਇਹ ਜਨਾਬ 70 ਬਾਈਕ ਪਰ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ इस बाइक पर आए हैं जी कब जाएंगे वापस इस से नाना चलो थोड़े सलाम दुआ कर रहे हैं यहां से मुजफ्फराबाद तकरीबन कितना आपका टाइम लगता है इधर से तकरीबन 2.5 घंटे लगेंगे 2.5 घंटे हां 2.5 घंटे मैक्सिमम आपकी स्पीड पे है कि आप नॉर्मल स्पीड है ज्यादा स्पीड नहीं है 40-50 कितने दिन हो गए आपके स्टोर को मुझे 5 डेज हो गए 5 डेज हो गए अच्छा अच्छा कब पहुंचे हैं आप इधर इधर तो मैं अपना स्टे करके पहुंचूं इस्लामाबाद में स्टे था उसके बाद अच्छा स्टेप बाय स्टेप स्टे हां हां स्टेप बाय स्टेप पहुंचूंगा माशाल्लाह जी क्या बात है आपकी तो सर, पहले कहां तक आए आप बाइक पर पहले मैं कटन तक आया था अच्छा उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टाइम आया तो अब मैं तौबड़बाला तक गया हूं ठीक हो गया इसी बाइक पर चले नहीं माशाल्लाह बड़ी बात है जी आपकी जी जी बना देते हैं आपकी पिक्चर एक जी भाई को पूछा तो कहे जनाब लाहौर तू जनाब बाइक पर आए अपने आज़ाद कश्मीर नीलम चले ठीक है भाई जान ठीक हो गया सर आपके सफर मोहब्बत है मेहरबानी है सर आपकी जी। नहीं आपने हमारा हौसला बढ़ाया सर जरूर जब अल्लाह ताला पे आपको कामिल यकीन हो तो आप दुनिया के हर काम कर सकते हैं हर जगह जा सकते हैं बस अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होनी चाहिए और आप अल्लाह ताला पे कामिल यकीन करें अच्छा तो ये बताएं कि जो रोड कंडीशन आगे केल तक कैसी है रोड कंडीशन भजन शारदा तक तो कुछ रोड ठीक होता है अच्छा आगे शारदा से जो केल है और केल से जो तौबट है वो रोड आपको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा ये गाड़ी चली जाएगी हमारी या आगे जी जी बिल्कुल ये चली जाएगी तौबट तो तक चली जाएगी तौबट तक अगर आप लेके जाना चाहें तो चली जाती है वहाँ से जीप वरना बेहतर यह है कि आप केल से ना जीप वगैरह बुकिंग करवा चले केल तक आप आराम से जा सकते हैं चलें चलें बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत है आपकी दुआएं हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे भेने वापस गड्डी अपर नीलम भी तकी किंदा आया हूँ जुले हैं वापस नीचे ये बाबून वैली क्या रेंट शेंट क्या रेंट 11,000 आने जाने का वापस भी लेके लोग हैं क्या हाँ वापस लेके वापस वापस लेके यहाँ से कितने 10,000 में आपको मिल जाएगी मतलब अगर उधर वैसे क्या कैसी जगह है वो सबसे बेस्ट पॉइंट है सो बाबून वैली है अच्छा इस वक्त कम से कम 50-100 जीप चले गई है ठीक है
चलें जाना था। अच्छा रत्ती गली, रत्ती गली, रत्ती गली अभी बंद, आधा रास्ता खुला हुआ है। उसका क्या सिस्टम है फिर बंद आधा रास्ते, मतलब आगे फिर पैदल? आगे पैदल आएंगे। पैदल पैदल कितना टाइम है? वो तकरीबन 3-3.5 घंटे पैदल। हाँ वो अभी नहीं है ना थोड़ा। अच्छा अच्छा, अल्लाह बाबून वैली जाए शाम को आके मुझे कहना कि यार कैसा पानी था, बस किराया वापस आके देना। अच्छा हुआ पसंद आ गया तो किराया देना, नहीं आया तो अपनी गाड़ी में पतलिया लेक है, पतलिया लेक भी बंद है। वो भी बंद है? बंद है, बंद है, बंद है। वो क्यों? वो भी रोड पर उसमें भी ग्लेशियर है ना रास्ते में, बड़ा गाड़ी का चिट्टा कट्ठा लेक। वो तो पीछे ना केल है ना, वो तो उधर तो है ही पैदल, पहले से आई टूंगे ना 5 घंटे की। अच्छा जाने पे आसान दोबारिया अंकलर से, मतलब जिन्होंने जीपा शिपा जो सिस्टम है सारा वो तो बबून वैली ने बारे उन्होंने को इनफॉर्मेशन की है, वो सारी सब बुझी की है क्या क्या उन्होंने पाया किस तरह। पर असा जो दिल लेना प्रोग्राम है कि जुना रत्ती गली, रत्ती गली जाने वास्ते असर दबारियाँ जी अपनी गड्डी खिलानी पे उतु क्या जीप घेणी अगर जाना पे तो जीपा जो ट्रैक है ना वो बंद होया, बिचू कोई थोड़ा जहा जरा एरिया ना वो रोड बंद ही आने अद्धा जी जीप जानी, कुछ बंदे बाने वीडियो एक तक सी कि अद्धा जी एक जीप जानी ना उतु फिर तुम पैदल पार लेना डरना पैसे फिर पार एक और जीप होनी उसमें गिनी जानी। पर कुछ इतना हूँ बाबा रहने से कि बंद राह उठे आए अद्धा जी जीप जैसी तो अगर 2 घंटे या 2.5 घंटे नहीं सोई कि टूरी का जाना पैसे जरा कैंपिंग एरिया है उत्थे जी फिर जी लेक है घंटा उतु गया जरा कैंपिंग एरिया उतु गया घंटा सौ लग सी तुरने या उतु घोड़े छोड़े उन्हें कोई सब गिनी सकने रत्ती गले जा प्रोग्राम बनाया दबारिया चुले उतु मालूम कि फिर अगला प्रोग्राम बन सी रत्ती गली रोड खुली हुई रत्ती गली सब रोड 13 किलोमीटर तक अगर मशीन आगे कैसे आधे आगे फिर पैदल ही 5 किलोमीटर झील तक कितना अगर पैदल कितना टाइम कितना लग जाएगा फिर 2-2.5 घंटे लगे जो पिछले वाले वो कह रहे हैं कि खुला है सारा रोड गलत ज्ञानी हम नहीं करेंगे काम सही है। 13 किलोमीटर तक गाड़ी जाती है अभी 3 किलोमीटर बेस कैंप से पहले बंद है और 2 किलोमीटर बेस कैंप आगे वो तो होता ही पहले। अच्छा हमें तकरीबन पैदल 3-4 घंटे लगे अंकल जीप 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 चेक कराई रहे ये त्रिपाल उतर जाता है ऊपर ठीक है। अच्छा वीडियो बनानी है हां त्रिपाल ऊपर से उतर जाता है ये वाला ठीक है उतर जाता है खुले हो के बजाय ये भी है चलें गाड़ी दे हमारी न्यू गाड़ियाँ होती है सब ठीक है गाड़ियाँ रखते नहीं। कितना टाइम हो गया आपको इधर? मेरा टाइम सर इधर हो गया जनाब मुझे तो काफ़ी अरसों है क्यों। अच्छा वैसे पूछ रहा मतलब मेरा बुकिंग काफ़ी है यहाँ पर। अच्छा ठीक हो गया नीलम स्काई वाई टूर एंड टूर। अच्छा अच्छा वीडियो बना रहे कितना टाइम हो गया यहाँ पे मुझे बहुत पूछे कि गड्डी तो चेक करी कि वैसे 10,000 रुपया आखने जो अगर मुड़ी अगर आई जो तो ठीक है रो राती फिर 12,000 रुपया है चलो हम तक उसला शिफ्ट करने क्या होना था क्या नहीं पहुंचे हैं दोपहर हूँ इन शाला गया जुलसा रत्ती गली ना प्रोग्राम है इतना थोड़ी जी प्रॉब्लम बनी किसी को पैसे नहीं ATM गए किस एरिए को पिछले आया से उस टाइम असं कौन कटवाए अगर है इतना हो सी पर इतना ATM कौन से ईजी पैसे का सिस्टम से बड़े मुश्किलों फिर वो सेंड होए पैसे ईजी पैसे उतु जो सेंड करी तो मुड़ी कटाए पैसे तो बाकी उम्मीद है जरा हाँ ATM 8 मुकाम से तो इस तू बाद मुड़ी अगर केल अच्छा ना शारदा ही जा ना केरन ही जा ATM तो ना इतना जरा दोवेरन इसने जा ATM इतना इजी पैसे की सहूलत मौजूद है पर वह भी जारी गल पता कि सर्विस कौन होनी जारी गल सारी सिम आनी तो नवी बंदे सेंड करने से OTP की जरूरत होनी तो प्रॉब्लम होनी पर अलहमदुल्ला यह हल हो गया हूँ अगर इंशाला रत्ती गली उम्मीद है सी अज ना जरा नीलम वैली सीरीज ना जरा 2 एपिसोड जरूर पसंद आया रिक्वेस्ट ही है वीडियो लाइक कर सो शेयर कर सो कमेंट कर सो मिलसा नेक्स्ट व्लॉग ही तो अल्लाह सुनने वाला है।